नमस्कार, ज्ञान न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अदिति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बिजनौर शहर से दो युवतियों के अचानक गायब होने से हड़कंप मच गया है। परिजनों ने पुलिस में युवतियों के गायब होने की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस गुमशुदगी दर्ज होते ही जांच में जुट गई है। वहीं बताया जा रहा है कि युवतियों की आखिरी लोकेशन के लिए पुलिस परिजनों को लेकर रवाना हो गई है। दरअसल मामला बिजनौर शहर के देव कॉलोनी निवासी दो युवतियों का है, जो पिछले 5 दिनों से लापता बताई जा रही है। युवतियों के अचानक गायब हो जाने से कॉलोनी में हड़कंप मच गया। वहीं पीड़ित परिजनों ने जब थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई, तभी से पुलिस जांच में जुटी है। वही परिजनों ने बताया कि पुलिस परिजनों के साथ आखिरी लोकेशन के लिए निकल चुकी है। एसपी सिटी लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि युवती के गायब होने का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस जांच में जुटी है और जल्द ही इस केस का निपटारा किया जाएगा। सुनीता रावत, भतीजी मेरी गायब हो रखी है, आज 5वां दिन है। मुंबई तक चले गए, फ्लाइट के टिकट बुक कराए, यहाँ से गाड़ी करी, वहाँ से आगे भी जो करा होगा, अभी तक कोई पता नहीं है कहाँ है, क्या है, किस हाल में है। बस घर से जा चुकी है, 2 लड़कियाँ हैं, पड़ोस में एक हमारी है। किसके साथ के कुछ पता चल पाया? कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। कितनी उम्र होगी उनकी? उसकी 14-15 साल है। और दूसरी की? दूसरी की तो उसकी भी इतनी होगी, 14-15 साल। अच्छा, पुलिस में आपने कंप्लेंट की? यस। तो क्या हुआ पुलिस साथ में? क्या बस पुलिस वाले भी कर रहे हैं, उन्हीं के साथ गए हैं, घर वाले जो भी गए हैं उन्हीं के साथ गए हैं, पुलिस वाले लेके गए हैं। तो पैसे वही फ्लैट के टिकट बुक करवाए थे दिल्ली से। पुलिस ने कराए थे आपसे? यहाँ ये हाँ यहीं से करवाए थे दिल्ली के लिए। पहले दिल्ली के लिए गाड़ी करी थी शायद, यहाँ से फिर वो दिल्ली गए, दिल्ली से फ्लाइट के टिकट करवाए, वहाँ से मुंबई के लिए गए। अभी तक नहीं मिल पाए? ना, अभी तक नहीं मिल पाए, कुछ पता नहीं है कहाँ है, किस हाल में। दो लड़कियों की गुमशुदगी दर्ज है, बल्कि अब अभियोग